आगे बढ़ने का एक कदम से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, या जहां हम थे उससे हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया हमको कहते कि नहीं, बहुत आगे बढ़ गई हो आप। बाहर से आने वाले लोग भी हम लोगों को यही एहसास कराते हैं, पर हकीकत ये नहीं। मैं तो इतने जानकार हूं व्यक्ति की, दो तीन जिसमें एक महाजन थे, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने ये बात करी। तीसरा व्यक्ति जो था वो खुश करने के लिए बोला कि आप लोग का जाति बहुत आगे बढ़ी, बहुत संसाधन में हो गई, बहुत नौकरी में हो गई। तो इस महाजन तो गणित के अंदर तो सबसे समझदार होता ही है। उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि जो एक आंकड़ा है, इस आंकड़े के अंदर आपके समाज के कितने लोग हैं पूरे बाड़मेर जिले के अंदर, लगभग 1 लाख परिवार है, 1 लाख परिवार के अंदर कितने लोग हैं आज भी उस आंकड़े के अंदर, तो 30 से ऊपर आंकड़ा नहीं गया। उस 30 में से हो सकता है इस मंच पर बैठे में ही 2-3 जने हो सकते हैं, पर पूरे जब बाड़मेर जिले का जब आकलन करा वह 30 के ऊपर भी थक गए, थम गए। 1 लाख के अंदर 30 से आगे वो संख्या नहीं बढ़ी। आज सरकारी नौकरी की हम लोग बात कर रहे हैं, 1 लाख परिवार के अंदर वो सरकारी नौकरी हम लोगों को कितनी मिली, और पूरी की पूरी प्राथमिकता हम लोगों को ये सरकारी नौकरी, क्या एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर, और क्या आज के जैसे आयोजन के माध्यम से हम लोग इन बातों की चर्चा हम लोग को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो नींव चौधरी रामनाथ जी ने वो नींव रखी, उसको हम लोग आज कम से कम उस नींव के ऊपर पहला पत्थर, तो पहला पत्थर भी उस नींव के ऊपर हम लोग नहीं रख पाए, ये विफलता हमको स्वीकार करनी चाहिए। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब जो एक इकलौती आवाज बच गई व्यवस्था के अंदर जनप्रतिनिधि की, प्रियंका चौधरी जी जब अपनी बात रख रही थी उस बात के अंदर, और जो पिछले दिनों जो उनका अनुभव था उसका दर्द, उनकी आंखों से जो आंसू आ रहा था वो दर्द, वो एहसास कर सकते। बाकी सब तो हम लोग ये उस सफलता में तालियां बजा रहे हैं कि चलो एमएलए बन गई है, अब तो आनंद ही आनंद है। ये नहीं पता जो थोड़ा बहुत भी आनंद था वो भी अब छूट गया। हकीकत ये है और भ्रांति ये है कि नहीं कि मंत्री बन गए हेमाराम जी मजा ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं। हेमाराम जी के पास बैठ के दर जब बात करते, हां मजा लावा लेने का थोड़ी बहुत भी गुंजाइश है, वो किसमें है, वो संसाधन की लूट के अंदर, और उस संसाधन की लूट के अंदर अपने आप को विलुप्त और अपने लोगों की आवाज विलुप्त करके अगर आप अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाओगे तो उस लूट के अंदर थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत हिस्सा आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्रियंका जी इस संघर्ष की जो दूसरी पारी की शुरुआत है, जो तकलीफ और दर्द हेमाराम जी की पीढ़ी ने, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें बदलती जा रही है, राजस्थान की व्यवस्थाओं के अंदर आज तीसरा दौर है। सुखाड़िया जी से लेकर भैरव सिंह जी का एक दौर था, फिर 25 वर्ष का दौर रहा अशोक जी और वसुंधरा जी सिंधिया जी का, और जो तीसरा दौर अब शुरू हुआ है एक शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से, वो तीसरा दौर रामदान जी की, गंगाराम जी का संघर्ष उस वक्त का रहा, और उससे ज्यादा संघर्ष हेमाराम जी का उन 25 वर्षों के अंदर रहा, उसका एहसास हम लोग नहीं कर पा रहे, और उससे ज्यादा संघर्ष अपन लोगों का रहेगा, ये आप मानगढ़ सकते। ये सच्चाई है, बड़ी कड़वी सच्चाई है कि वो संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा, और अपने खुद के लिए नहीं करना पड़ेगा। तो संघर्ष जो हम लोगों के चौधरी रामदान जी हम लोगों को जो दिशा बताई है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, उसके कारण हम लोगों को संघर्ष। आज हम लोग सामाजिक तौर के ऊपर, आर्थिक तौर के ऊपर, और इन नौकरियों के अंदर हम लोगों की क्या स्थिति है, मैंने आर्थिक भी बात करी है, नौकरियों के अंदर जो हमारा न्यूनतम हम लोगों का अधिकार है वो भी हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारी प्राथमिकता वो हबीर गबीर बचीड़ी रही है। हमारे खुद को जो 21% नौकरी हम लोगों के लिए मिलनी चाहिए, उसके बारे में इतनी भ्रांतियां,
जबरदस्त वो प्रोपोगंडा की मशीन क्रांति पैदा कर दी है कि हम किसी और का हक छीन रहे हैं। पर हकीकत क्या है कि हम हमारा खुद का न्यूनतम जो हिस्सा है वो भी नहीं ले पाए। उसके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। जब बिहार के अंदर ये भ्रांतियां, क्योंकि ये वर्ग हम लोगों के बीच में ही भ्रांतियां पैदा कर रहा है, जो संघर्ष राम नाम जी को करना पड़ा वो एक अलग संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा। बिहार के अंदर जब जातिगत जनगणना हुई और जो आंकड़े निकल कर आए, बिहार में बहुत भ्रांति फैलाई जा रही थी कि यादव सबसे ज्यादा हक और अधिकार लोगों का लेके। आज बाड़मेर और राजस्थान के अंदर भी एक बहुत बड़ा अभियान के तौर पर यह भ्रांति फैलाई जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि ये किसान बोर्डिंग किसी एक जाति की नहीं है, ये किसान बोर्डिंग बाड़मेर के हर परिवार की है। यह रामलाल जी डोकिया हम लोगों को देख रहे, या अभिराज जी चौधरी भी रही, या शेर मोहम्मद जी भी रही, इस तरह के कई लोग रहे हैं, कि यह जाति का मंच नहीं है, उन सब लोगों का मंच है ये किसान बोर्डिंग रामलाल जी ने। और यह सोच ही विचार यह परंपराएं हम लोगों को देख गई, और हम लोगों के बीच में जेल फैलाया जा रहा है कि कोई ज्यादा हक लेकर जा रहा है, किसका हक खाया जा रहा है। हकीकत के अंदर क्या स्थिति है, मैं बिहार के आंकड़े में ये बात करनी चाहती कि धौलपुर और भरतपुर के अंदर, हाँ धौलपुर और भरतपुर के अंदर वो जेल हो चुका है। जो औसतन जमीन है उस औसतन जमीन से भी बहुत कम मिलता है। जो औसतन नौकरी के अंदर हिस्सेदारी भागीदारी है वो भी। तो आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि भ्रांतियों के अंदर जो प्रोपोगंडा की मशीन के ऊपर, क्योंकि समय बदल रहा है। जब हम लोग अंदर आ रहे थे, जब फोटोग्राफी हो रही थी, फिर आने वाले 5-10 साल बाद ये फोटोग्राफी नहीं होगी। तो विज्ञान जिस दिशा के अंदर जा रहा है, इसमें फोटोग्राफी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज अपन एआई देख रहे हैं, एआई के बाद में जो न्यूरो चिप आ चुकी है उसके अंदर कोई फोटोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद 5-10 साल में क्या होगा उसकी कल्पना ही हम लोग नहीं करते। तो परिस्थिति बदल रही है, व्यवस्थाएं बदल रही है। इन परिस्थिति और व्यवस्थाएं के अंदर हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, आज हम लोगों के बीच में कितने लोग हैं जिनके पास जाकर हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये अंतिम पीढ़ी के अंदर कुछ चंद लोग बचे हैं, उसके बाद में हम लोग जैसा हम लोगों को किताबों में और भाषणों में बताया जाएगा वो कि वो चीज हम बन लेंगे। आज शब्दों की बात हो रही है, शब्दों का खेल ही निराला, मुठियां बंद कराई जा रही है, जयकारे हो रहे हैं, उन जयकारों के अंदर हम क्या है वो सब।